तो दोस्तों ये है बंगाली स्वीट्स। बंगाली मार्केट में जो दो दुकानें फेमस हैं उनमें से एक है बंगाली स्वीट्स और एक इसी के सामने पड़ती है दूसरी दुकान, वो है नाथू स्वीट्स। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये दो दुकानें दोनों रेस्टोरेंट हैं। इनमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड, गोलगप्पे, गुलाब जामुन, मिठाई वगैरह। और बाकी कुछ दुकानें हैं इसके अंदर, मतलब मुश्किल से 50 दुकानें होंगी। 50 दुकानें भी पूरी नहीं है, मैंने जो गिनी है तो 25-30 दुकानें मेरे गिनने में आई हैं। बाकी इससे ऊपर यहाँ दुकानें हैं नहीं, बस 2-4 मेडिकल स्टोर, 1-2 स्टेशनरी की दुकानें, 2-4 पान बीड़ी की दुकानें और ये 2 स्वीट्स की दुकानें, नाथू स्वीट्स और बंगाली मार्केट, जिनकी वजह से ये मार्केट बहुत फेमस है। ये बंगाली स्वीट्स और नाथू स्वीट्स की वजह से, ये जो आप सामने दुकान देख रहे हैं इसकी वजह से ये फेमस है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, आप यहाँ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से उतर कर 10 मिनट में पैदल चलकर यहाँ पहुँच सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो बंगाली स्वीट्स के पास पड़ता है अपना कनॉट प्लेस, मतलब बंगाली मार्केट के पास, जस्ट कनॉट प्लेस के साथ ही है ये बंगाली मार्केट। और इस बंगाली मार्केट के पास एक होटल पड़ता है, 5-स्टार होटल, जिसका नाम है द ललित, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी ये है इस मार्केट का नज़ारा, ये इसका गोल चक्कर, इसके गोल चक्कर के चारों तरफ ये 2-4 25-30 दुकानें, 2-4 ATM और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ और भी मेहनत कर सकूँ आपके लिए और अच्छे 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 वीडियो ला सकूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पास जो एक 5-स्टार होटल है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो आइए ये देखिए दोस्तों, ये एक फ्लाईओवर जहाँ कुछ लाइटिंग अच्छी हुई हुई है और ये इसके साथ में है एक 5-स्टार होटल द ललित, जो कि बंगाली मार्केट के जस्ट 10 कदम की दूरी पर पड़ता है। बाकी इसके अलावा बंगाली मार्केट में कुछ नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।